फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें भारत के जो भी रेलवे स्टेशन हैं उनका रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक रेलवे स्टेशन को कवर किया जा रहा है, जो इसके तहत किया जा रहा है, अमृत भारत मिशन के तहत किया जा रहा है। और इसमें आप देख पाएंगे कि इसका जो फ्रंट व्यू है उसको सब चेंज किया जा रहा है। अभी हम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के इतवारी जगह पे है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे ढक दिया गया है अभी जो स्टेशन का नाम है, लेकिन हम अभी हैं महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन में जिसका नाम है नेता सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले नॉर्मल दीवारें थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये छोटा सा आपको जगह दिख रही है, ऐसी दीवारें थी। देख सकते हैं यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम किया गया है और यहाँ पे दीवारें चेंज कर दी गई हैं और इसका आगे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग एरिया भी बनाई गई है, चाहे सामने आप देख सकते हैं बाइक और साइड में एक कार खड़े करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पूरा है मंदिर है और यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा है मोदी सरकार की गारंटी का, इसमें विकसित भारत के लिए आधुनिक रेलवे स्टेशन किया जाएगा और इसमें एक स्टेशन पर एक उत्पाद की स्टॉल लगाई जाएगी। ये है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन। ट्रेन हम वीडियो के माध्यम से इसके अंदर का दिखाएंगे कि यहाँ ये है प्लेटफार्म नंबर 6 के साइड है, ये प्लेटफार्म नंबर 6 का एग्जिट गेट है और यहाँ से ऑटो वगैरह आपको मिल जाता है बाहर जाने के लिए। यहाँ जानते हैं आप मेडिकल का हब है। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है। और ये है टिकट का, देख सकते हैं यहाँ पे टिकट मिलती हैं। और ये हम आ चुके हैं प्लेटफार्म नंबर 6 की ओर, पीछे जो गेट दिखाया था उस गेट से अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफार्म है वो बहुत छोटा है, ट्रेन वहाँ तक ही लगती है। ये 6, 5, 4 और 3 रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है और हम ऊपर जाते हैं ऊपर से। ये हम ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है प्लेटफार्म नंबर 6 और उसके जस्ट बगल में है 5 और 4, उसके जस्ट बगल में है प्लेटफार्म नंबर 3। यहाँ से आप प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 जा सकते हैं, ये प्लेटफार्म नंबर 3 जाने का रास्ता है आगे से। यहाँ पे RPF है। यहाँ पे प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 प्लेटफार्म यही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मेन बोले तो महाराष्ट्र का ये सबसे पिछला जो आप बोल सकते हैं रेलवे स्टेशन है, क्योंकि देख सकते हैं ये पुराने ज़माने का, ये सब छप्पर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। और 1 या 2 नंबर प्लेटफार्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ पे है ही नहीं, ऐसे ही यहाँ काम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे डीजल इंजन का यूज किया जाता है वो बोगी को सेट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक ट्रेन आ रहा है और जो उसमें इंजन लगा हुआ है डीजल इंजन लगा हुआ है और ये बहुत पुराना डीजल इंजन लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा आप डीजल इंजन नहीं देखे होंगे रोड पर चलते हुए, नॉर्मल ट्रैक पर चलते हुए नहीं देखेंगे। इसके देख सकते हैं ऊपर कितना भारी पंखा लगा हुआ है जिससे इसके इंजन को ठंडा किया जाता है। इंजन को ठंडा करने के लिए ये फैन ऊपर लगाया जाता है। और फिर आगे चलते हैं, इसका जो मेन डेवलपमेंट हुआ है प्लेटफार्म नंबर 6 की तरफ ही हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 6 से ऐसे आने पे सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, उससे मेन सिटी में जाया जाता है इतवारी स्टेशन से। बाकी आप देखेंगे कि इधर का जो
इधर बाहर जाने का एक नंबर के साइड बाहर जाने का जो रास्ता है वो एकदम ख़त्म सा है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, ये प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 है। यहाँ पे किसी प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ब्रिज है जो बाहर भी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिटी वगैरह है, कुछ दूर से यहाँ पे सिटी की देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, देख सकते हैं पियर उठाए जा रहे हैं और यहाँ नया ट्रैक भी बिछाया जा रहा है। यहाँ मिला से फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप फाउंडेशन का तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैक के लिए पटरी वगैरह लाया गया है जो कि आगे बिछाने का काम कर रहे हैं। स्लीपर वगैरह का देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे अगर आप सोचेंगे एक नंबर साइड से बाहर निकलना, तो ये एक नंबर की साइड से आप बाहर निकलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट का काम चल रहा है, यहाँ पर चल ही रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, यहाँ नया ट्रैक है। और यहाँ पे बगल से रोड भी बनाया जा रहा है और आप देखेंगे कि सामने भी देख सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप इतवारी स्टेशन उतरते हैं तो आपको 6 नंबर साइड से ही अगर आप जाना चाहें तो अच्छा रहेगा। इधर देख सकते हैं इतना, एक तो इतना दूर है, वो सामने देख सकते हैं सामने उतना वहाँ से दूर आना पड़ रहा है। वहाँ उतरने के लिए आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा जो आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है, और यहाँ से यातायात की सुविधा कम है। तो फ्रेंड आप सही जगह पर उतर के सही जगह जा सकते हैं। यहाँ पर मालगाड़ी के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर गोदाम भी बनाए गए हैं। फ्रेंड ये है हमारा अमृत भारत मिशन का जो तहत इसको रिडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, 3रा से 4था वीडियो है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं।